जनपद संबल के चंदोसी का गणेश चौथ मेला हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रहा है। यह ऐसा मेला है जहां सभी धर्मों के लोग समान रूप से सहभागिता करते हैं। मेला कमेटी में सभी धर्मों के लोगों को सहभागिता दी जाती है। यही कारण है कि मेले का उद्घाटन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। गणेश चौथ मेला परम्परानुसार शाम को 6 बजे गणेश मंदिर पर उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित और पुलिस क्षेत्राधिकारी पूनम मिश्रा के द्वारा किए गए द्वार पूजन से किया गया। इसी मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोकेश डांस एकेडमी और अन्य 3 स्कूलों के बच्चों ने सहभागिता की। शाम को गणेश मंदिर से भगवान श्री गणेश की मुख्य मूर्ति, जिसे हर साल डॉक्टर गिरिराज किशोर की ओर से तैयार किया जाता है। ये क्या नाम है आपका? डॉक्टर गिरिराज किशोर गुप्ता। ये जो गणेश चतुर्थी का मेले का आयोजन होता है चंदौसी में, कितने सालों से हो रहा है? 62 साल। आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से मिली कि गणेश चतुर्थी के मेले का आयोजन? भगवान जी से, क्योंकि मंदिर जो है गणेश जी का और उत्सव मनाना बहुत जरूरी होता है। इसी बीच में यहाँ जो झांकियाँ लगती थी जन्माष्टमी के अवसर पर, वो सब बंद हो गई। तो पिताजी ने ये राय दी कि भाई तुम बनाओ, तो हम लोगों ने झांकी बनाई और प्रोत्साहन मिलता रहा पब्लिक का और ये बढ़ता चलेंगे। इस वर्ष के मेले का जो प्रमुख आकर्षण होगा वो क्या होगा? क्या मतलब जी, मेले में जो झांकियां निकाली जाएंगी उसमें मुख्य आकर्षण की झांकियां कौन सी होंगी? कहने को तो पब्लिक को सब नहीं निकलती है, सबका मुख्य आकर्षण है, क्योंकि हर साल हम नहीं बनाते, पुरानी रिपीट नहीं करते। और मुख्य आकर्षण तो आपकी गणेश जी का है, लाइट भी बन रहे। अच्छा, ये जो मेल वो जो होंगी झांकियाँ, आपकी क्या वो देंगी संदेश लोगों को? सबसे बड़ा संदेश तो ये है आपकी एकता। सब धर्म सम्मेलन का जो हिसाब होता है उसको ही हम लेकर चलते हैं कि भाई कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक रहना चाहिए, और यही हमारा मुख्य ध्येय है। दूसरा ध्येय ये है कि धर्म का संचार, बहुत सी बातें पब्लिक को नहीं मालूम होती तो हम अपनी झांकियों द्वारा बताते हैं। ये सुना जाता है जो झांकियाँ शाम को तैयार होती हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के कलाकार मिलकर करते हैं? बराबर, सब करते हैं। और बड़े बड़े आदमी हैं, कोई मतलब बैंक का मैनेजर है, कोई डॉक्टर है, कोई तरीके से सब भी होते हैं। आज जो मेले का उद्घाटन हुआ है, इसमें चारों धर्मों को लोग शामिल होकर उद्घाटन करते हैं, इसको क्या कहेंगे आप? ये पांचों धर्मों के लोगों आज ने मिलकर मेले का भव्य उद्घाटन किया है। और ये गणेश चौथ मेला भारतवर्ष का प्रसिद्ध मेला है, जिसका मूल स्वरूप जो है वो सर्वधर्म संभाव है और भारतवर्ष की एक हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई सभी धर्मों के लोगों को एक प्लेटफार्म पर ये जमा करता है और सभी के बीच में सौहार्द और मेल मिलाप का इसका पैगाम है। और इसका आयोजन जो है वो डॉक्टर गिरिराज साहब के द्वारा किया गया था लगभग 50-60 साल वर्ष पहले, और ये बराबर दिनों दिन प्रगति पे है। आज इस मेले की शान बहुत ज़्यादा है और इसमें लगभग 600 से ज़्यादा दुकानों लगी हुई है मेले में, और इसके अतिरिक्त मेले में जो है खेल कूद के और झूले और ये भी सब सामान है। मेले के माध्यम से बड़ा भारी लोगों को फायदा हुआ है और हमारे चंदौसी में इस गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम के सबब से कॉटेज इंडस्ट्री, जो भगवान गणेश की मूर्ति बनाने की इंडस्ट्री है, बड़ी भारी पैमाने पर डेवलप हुई है और मार्केट में उससे कारीगरों को भी बहुत फायदा हुआ है और दुकानदारों को भी बहुत हुआ है। और इस मेले की शान में बहुत अनेक मेल मिलाप के प्रोग्राम हैं, जैसे ऑल इंडिया मुशायरा और कवि और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, इसमें आयोजन हो रहा है। और इसमें चादर शरीफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम होता है, जो कि गणेश मंदिर से चादर चल के और खान बाबा के मज़ार पर पहुंचती है। खान बाबा
इस क्षेत्र के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए जो अफगानिस्तान से आए थे और उनकी जो है छाप चंदौसी के बसने पे और चंदौसी की भलाई में उन्होंने बहुत काम किया था। उनका मज़ार भी गणेश मेले के ग्राउंड के बराबर ही है। ये मेला बहुत ही सौहार्दपूर्ण है और बड़ा इसका जो देश की हमारी आवश्यकता है उसके लिए ये की बिल्कुल पूर्ति करता है और बड़ी शान शौकत के साथ मनाया जाता है। जी मेले के गणेश मेले के शुभारंभ को लेकर क्या कहेंगे आप? ये सबको शुभ हो, मंगल कामनाएं पूरे भारतवर्ष को नहीं पूरे विश्व को, जो मानव को मानव का पाठ सिखाता है। मेले का अर्थ है खुद मेल से रहो, इसलिए मैं बौद्ध धर्म की तरफ से आया हूँ और उसका उद्देश्य है जियो और जीने दो। हो गया है शहर में, पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की? आज जनपद संभल के चंदौसी कस्बे में गणेश चतुर्थी का मेला आज उद्घाटन हो रहा है और ये पूरे महीने भर चलेगा। ये जून का सबसे बड़ा मेला है, यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इसी क्रम में ये मेला पूरे महीने भर चलता है, जहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। यहाँ पे एक अस्थायी चौकी बनाई गई है एक महीने के लिए, जिसमें हमारे एक इंस्पेक्टर और दो SI मुख्य रूप से नियुक्त किए गए, इनके साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। पूरी यहाँ पे थाना एस्टेब्लिश किया गया है, वायरलेस सेट लगाए गए हैं, ट्रैफिक ड्यूटी लगाई गई है, फायर सर्विस की ड्यूटी लगाई गई है, सादे वस्त्रों में ड्यूटी लगाई गई है, महिला पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है, PSC बल लगाया गया है, सभी तरीके के पुलिस बल यहाँ पूरे क्षेत्र में लगाया गया है और ये मेला शांतिपूर्ण तरीके से इंसिडेंट फ्री सुनिश्चित कराया गया। अंतर जनपदीय फोर्स भी आया है, इसमें कई रेंज की फोर्स आई हुई है और यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है।